हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज बहुत समय के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। आज का जो व्लॉग है वो रूटस्टॉक प्रोपोगेशन के बारे में होने जा रहा है। तो गाइस, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको श्रेया से मिलाता हूँ। ये हमारी फैमिली की नई मेम्बर है, सो आप श्रेया से भी बात कर सकते हैं। कम श्रेया, हाय, दिस इज श्रेया। तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, और श्रेया जो है मेरा फ़ोन होल्ड करने जा रही है, सो आप इसे वॉच कीजिए। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम आपको रूटस्टॉक प्रोपोगेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप YouTube पे जाके मेरा जो ऑफिशियल YouTube चैनल है द एप्पल एंड म्यूजिक एंड फैशंस के नाम से, उसे आप जाके देखिए, वॉच कीजिए। उसमें बहुत सारी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हैं जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। सो Facebook पे भी एक ऑफिशियल पेज उसी नाम से चल रहा है, द एप्पल एंड म्यूजिक एंड फैशंस, उस पर भी आप मेरे सारे अपडेट्स उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी नर्सरी से कुछ रूट स्टॉक्स जो हैं वो बच गए हैं। तो हमने सोचा, क्योंकि वो अब सेल आउट नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम उसे घर में ही प्रोपोगेशन में डालें और अपने लिए उसको यूज़ करें। तो आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब आज हम यहाँ पे जो प्रोपोगेशन में डाल रहे हैं वो है रूट स्टॉक MM116। तो जो ये रूट स्टॉक है ये बहुत ही एक अच्छा रूट स्टॉक है, जो सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक भी है, और ये जो है ये सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है। इसमें जो है जो आपका रूट स्टॉक 106 और M26, उस दोनों का ये मिक्सचर रूट स्टॉक है। तो ये रूट स्टॉक जो है सेल्फ स्टैंडिंग है, और बहुत सारी बीमारियों के लिए इसमें रेजिस्टेंस है। सो आने वाले समय में इस रूट स्टॉक को बहुत सारे जो है लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और अब्रॉड में भी ये रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक है, फ्रूट क्वालिटी इसमें M9 के जैसी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रोपोगेशन करनी है। देखिए, बेसिकली जो प्रोपोगेशन रूट स्टॉक की है वो 4-5 मेथड से होती है, लेकिन हम लोग जो यहाँ इंडिया में कर रहे हैं उसमें 2 मेथड या 3 मेथड हम यूज़ करते हैं। पहला जो मेथड आता है वो आता है माउंट लेयरिंग। उसमें आप क्या करते हैं कि एक जो है आप रूट स्टॉक पहले प्लांट करते हो, उसमें फिर जो आपके रूट सकर्स निकलते हैं उसी में आप उसको जो है मिट्टी को इकट्ठा करते हो, उसकी पुराई करते हो, उससे जो है रूट डेवलप होती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रहता है। जो हम आपको ये दूसरा मेथड बता रहे हैं इसको कहते हैं ट्रेंच लेयरिंग। सो इसके लिए सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम ट्रेंच खोद के रखी हमने, तो इस तरह से आपने ट्रेंच खोदनी है जिसकी मेजरमेंट्स लगभग 1 फिट चौड़ी और 1 फिट गहरी है। इसमें जो है आप रूट स्टॉक लेंगे इस तरह से, मैं आपको नेक्स्ट रूट स्टॉक दिखाता हूँ। ये हमारी रूट है, ये हमारे खुद की नर्सरी के रूट है, आप इसको देख सकते हैं इसमें कितने हेल्दी रूटिंग हुई हुई है। सो इसको लेना है, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिकली आप इसको ट्रीट करें, इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना रहे। सो उसमें आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो खट्टी लस्सी होती है घर में, सभी के घर में लस्सी रहती है, आप लस्सी ले लें, और जो लगभग जो है 1 महीने पुरानी लस्सी हो उसके बीच इसको डिप करना है आपने, तकरीबन आधा घंटा उसमें आपने ये रखना है। वहाँ से निकालने के बाद जो है आपने एक स्लरी लेनी है काउडंग, एंड आपने एक क्ले सॉइल का एक पेस्ट बनाना है। सो इस तरह का वो पेस्ट बन के तैयार रहेगा, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि इस रूट स्टॉक को हम इस स्लरी में डिप कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से हम डिप करेंगे। ये पूरी रूट सभी डिप नहीं हुई है, इसको घुमाएंगे थोड़ा सा, पूरा ये यहाँ पे डिप हो जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे। अब हम जो रूट स्टॉक प्लांट करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमने एक रूट स्टॉक यहाँ पे प्लांट कर दिया है, तो मेरे दिमाग में थोड़े लेट आइडिया आया कि क्यों ना एक व्लॉग तैयार किया जाए। गाइस, आप मुझे देख सकते हो, आज मैं खुद काम कर रहा हूँ और मेरी हालत आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो चलो, इट्स ओके, मैं माइंड नहीं करूँगा इस चीज़ का। फर्स्ट टाइम जो है ऐसे मैं व्लॉग में आपके सामने फर्स्ट टाइम आया हूँ,
तो अगर मेरे कोई आपको कोई मेरी चीज़ अच्छी ना लगी हो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कहता हूँ। तो आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा, आपने एक रूट स्टॉक यहाँ डाल दिया है, आपने इसको बिछा दिया है, नेक्स्ट रूट स्टॉक आप यहाँ पर खोदेंगे इस तरह से। मुझे पकड़ा दो। हाँ, इसको आप पकड़ो। इस तरह से और आपने जो है सड़ा हुआ गोबर लेना है, आप इसमें जो है तकरीबन 250 से 300 ग्राम गोबर एक पिट में डालें। और ये जो गोबर है ये थोड़ा सड़ा हुआ होना चाहिए, जितना पुराना गोबर हो उतना जो है बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह से आपने गोबर बिछा दिया। नेक्स्ट आप इसको लेंगे और यहाँ से इसको आप इस तरह से पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी जो रूट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए। सो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको खोदने जाऊँगा इस तरह से। इस तरह से तो नेक्स्ट हम इसमें जो ऐड करने जा रहे हैं वो एक बैक्टीरिया है, ग्रैनुलर फॉर्म में है, इसको माइकोराइजा कहते हैं। इसको जो है आप अपने सॉइल में डालें इस तरह से 50-60 ग्राम्स पर प्लांट। सो, ये जो काम करता है बेसिकली, इसका जो मेन जो उसका वर्क है वो रूट डेवलप करने का है। ये आपकी जो वर्जिन सॉइल रहती है, वर्जिन सॉइल में ये नेचुरली वर्जिन सॉइल में ये स्टे करता है। लेकिन जो रीप्लांटेशन साइट है वहाँ पर क्या रहता है कि हम केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं अपनी सॉइल में, उसमें जो है केमिकल यूज़ करने की वजह से जो है आपका जो माइकोराइजा, ऑर्गेनिक कार्बन और भी जो बहुत सारी फ्रेंडली बैक्टीरियाज है वो जो है 80-90% वो जो है आज मर गई हैं, वो यहाँ पर नहीं है। सो, आपको जो है ये बाज़ार से ख़रीद के यहाँ पर आपको इंस्टॉल करनी होती है। तो इसका काम रहता है कि ये रूट डेवलप करती है। ये आप देख सकते हैं रैली गोल्ड, टाटा रैली गोल्ड कंपनी का एक माइकोराइजा है। आप इसको अपने सॉइल में डालें इस तरह से, 50-60 ग्राम्स हमने ये डाल दिया है। अब हम इसके बाद जो है थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, मिट्टी हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम गोबर लेंगे और हम इसमें गोबर डालेंगे। इस तरह से तो वापस फिर हम इसमें मिट्टी डालेंगे इस तरह से। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आप रूट स्टॉक लगा रहे हैं उसका जो लगाने का जो मेथड है, आपने लगाने के बाद उसको जो है 60 डिग्री के एंगल में उसको आपने रखना है, लाइक दिस। इस तरह से आपने हर रूट स्टॉक को रखना है। तो जब स्प्राउटिंग होगी, एपिकल डोमिनेंस का जो कैरेक्टर रहता है प्लांट का, उसकी वजह से जो है इसमें अपराइट शूट्स निकलेंगे और जो अपराइट शूट्स रहेंगे उसमें जो है हर आई जो है स्प्राउट होके बाहर आएगी। और उसमें जो है जितने भी आई स्प्राउट होके बाहर आएगी उसमें जो है एक ब्रांच निकलेगी। जब उस ब्रांच की जो लेंथ है, जब वो तकरीबन 7-8 इंच जो है वो ग्रो कर जाए, उसके बाद आपने उसकी पुराई करनी है। सो, उसमें जो रूट है वो डेवलप हो जाए और एक रूट स्टॉक से नेक्स्ट सीजन के लिए आप जो है तकरीबन जितनी उसमें आईज है उतनी ही आप उसमें जो है रूट स्टॉक नेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है कम खर्चे में बहुत सारे रूट स्टॉक मिल जाते हैं और इस तरह से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आती है इसे बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनको भी वॉच करें। जो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है वहाँ पर मैं सारी वीडियोस के लिंक डाल दूँगा, और बाकी आप सारी वीडियोस वहाँ देखें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय।